देखो अभी तक जो हमने कलर देखा है वो तो ये देखा है नीचे जो होता है फोरग्राउंड बैकग्राउंड मतलब सिंगल कलर हमने देखा है। अगर हम ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करते हैं और यहाँ फिल्म में कलर जो आता है, अभी हमने या तो नन देखा था या तो सॉलिड कलर सिंगल देखा था, ठीक है। अब हम देखेंगे आज थर्ड वाला जो कलर होता है ये जो मिक्स कलर हम इसको बोलते हैं, ये होता है ग्रेडियंट कलर, ठीक है। तो इसका अलग से टूल भी होता है ग्रेडियंट कलर का जो कि यहाँ है। अब आज हम इसको ट्राई करेंगे। देखो यहाँ मैंने क्लिक किया ग्रेडियंट पे, टूल सेलेक्ट हुआ, फिर ऊपर इसका ये कलर आ रहा है। इस कलर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये अपने पास एक बॉक्स बना आया, यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं और अपन यहाँ अगर हम यहाँ पे कुछ कलर बनाते भी हैं तो उनको हम यहाँ सेव भी कर लेते हैं न्यू के। तो अभी जैसे ये कलर बना हुआ है, अभी हमको कुछ नया कलर बनाना है तो यहाँ देखो क्या होता है। पहले मैं इन सबको हटा दूं, यहाँ और यहाँ, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट ऐसा होता है स्टार्टिंग एंड, ठीक है। ऊपर वाले जो हैंड्स होते हैं, हम नोड्स होते हैं, हमको इनको चेंज नहीं करना है। नीचे की तरफ में हम नोड बनाते हैं। नोड कैसे बनता है, आप यहाँ जाओगे तो हैंड टूल आ जाएगा, क्लिक करोगे वहां नोड बन जाएगा, ठीक है। और मैंने इसको हटा दिया, क्लिक करके नीचे ड्रैग करोगे डिलीट हो जाएगा। और वहीं इन दोनों में से किसी एक का कलर चेंज करना है या इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है तो हम ये एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, ओपेसिटी नहीं आ रहा, ओपेसिटी इधर आता है और क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है पॉइंट, ठीक है। कलर आ रहा है इसका, क्लिक करके आप कलर चेंज कर सकते हो। देन लोकेशन आ रही, लोकेशन मतलब ये जो पूरा जो बार दे रखा है इसमें, ये मैंने बोला था स्टार्टिंग और एंडिंग, तो ये स्टार्टिंग होती है 0 से, एंडिंग होती है 100 से। तो देखो ये 0 पोजीशन पे है और ये 100 पोजीशन पे है, देखो है ना। अब ये जो पॉइंट है दोनों का वैसे मिडिल होता है, बट अभी ये क्या हो रहा है कि ज्यादा 50% की 50% से भी ज्यादा इस साइड में आ रहा है ना, इधर आ रहा है। तो अभी हम यहाँ क्लिक करके देखते हैं इस पॉइंट पे कि कितना पॉइंट कहाँ रखा है। 74 पे रखा है। अगर हमको मिडिल में रखना है, आप 50 इसमें वैल्यू डालोगे बस, तो देखो 50 पे फिक्स मिडिल पोजीशन पे आ गया। अब इससे होता क्या है, देखो एक बार हम कलर चेंज करते हैं फिर हम देखते हैं कि जिस साइड हमको जो कलर चाहिए होता है उसकी इंटेंसिटी उधर बढ़ा सकते हो। अभी तो मिडिल पॉइंट हो रहा है ये, तो यहाँ से जो रेड कलर है वो यहाँ तक आ रहा है मर्ज होते, और जैसे ब्लू मर्ज हो रहा है, ये उनका सेंटर पॉइंट हो गया। लेकिन हमको ब्लू ज्यादा रखना है और इधर की तरफ बढ़ा दें तो देखो, तो ब्लू की जो रेंज है वो बढ़ जाएगी, और यहां से इधर करेंगे तो इधर रेड की रेंज बढ़ जाएगी। ये होता है, तो ये सेंटर पॉइंट होता है। अब अगर आप नया नोड बनाते भी हो, कि मैंने सपोज यहां बनाया, इस नोड को भी 50 में करना है तो आप ये वैल्यू भी टाइप कर सकते हो। और ये भी सेलेक्ट पहले वाला नोड था वो हट गया, नहीं वो नोड नहीं था, वो तो सेंटर पॉइंट था। अब यहाँ हमने ये बना लिया, अब ये इन दोनों का सेंटर पॉइंट आ गया। इस पे क्लिक किया तो कि इससे इस पॉइंट के बीच का सेंटर पॉइंट ये है और इससे इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट ये है। अब इस सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तब इसके लिए 50 हो गई, किस लिए, इसके और इसके अकॉर्डिंग 50 हो गया, ठीक है। और ये 50 पे है तो ये 0, ये 50 पे, ये 100 पे, ऐसे तीन कलर हमारे पास यहाँ हो गए। और एक कलर हम यहाँ एक और चूज कर ले, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ मल्टीपल वैल्यूज लगा के, मल्टीपल नोड्स लगा के कलर चेंज कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये जो प्री डिफाइंड है इसमें देखो, जैसे हमने सपोज इस पे क्लिक किया तो ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ क्लिक किया ऐसा तो ये ऐसा बना हुआ है। हमने सपोज यही लिया और इसको ओके किया, अब ये कलर तो सेलेक्ट हो गया। अब आता है कि इसको डिजाइन कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं या पुट कैसे करते हैं। अभी देखो हम जो भी वर्क करते हैं वो हमको पता है कि सेलेक्टेड लेयर में या लेयर के सेलेक्टेड पार्ट में वही वर्क होता है। कि अगर हम सेलेक्शन कर ले, जैसे हमने ये सिलेक्शन कर लिया, अब कलर करेंगे या जो भी करेंगे वो इसी पार्ट के अंदर होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। वही अगर सिलेक्शन हटा देंगे और ये लेयर सेलेक्ट है अभी, तो अब जो भी कलर करोगे वो इसी लेयर में होगा। बट हम बैकग्राउंड लेयर को एज ए बैकअप या एज ए बैकग्राउंड लेयर सेफ करते हैं वाइट बैकग्राउंड के लिए, और यहां से एक न्यू लेयर लेते हैं, ब्लैंक लेयर है, यहां हम कलर पुट करेंगे। तो यहां देखो इस ग्रेडियंट के यहां ये 5 टाइप दे रखे हैं। फर्स्ट टाइप है इसका लीनियर ग्रेडियंट, ये देखो लीनियर मतलब एक लाइन में। तो अभी जो ये आइकन आ रहा है ये क्या करेगा, हमने यहाँ क्लिक करके इसको होल्ड किया और नीचे ड्रैग किया, ये एक लाइन बनेगी, मतलब ये आपका ग्रेडियंट कलर यहाँ बनेगा। लाइन का डायरेक्शन जैसा होगा वैसा ही कलर जाएगा। कैसे, देखो एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको समझ में आएगा। कि मैंने वहां से लेके यहां तक किया तो फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट कलर, लास्ट पॉइंट पे लास्ट कलर, और उसके ऊपर अगर जगह है तो वो जो फर्स्ट कलर था वही पूरा ऊपर रहेगा, और लास्ट पॉइंट पे नीचे जो जगह है तो लास्ट कलर जो लास्ट पॉइंट पे था वो पूरा नीचे तक रहेगा। देखो ये मैंने क्लिक छोड़ा, अभी ये कलर आया,
तो यहाँ के ऊपर पूरा रेड और यहाँ के ऊपर भी पूरा रेड, जो फर्स्ट कलर था और जो लास्ट कलर है, ठीक है। हमको पूरे पूरे कलर दिखाने हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो ऑलमोस्ट, और यहाँ से, और देखो अभी भी हम देख रहे हैं एंगल थोड़ा सा टिल्टेड है, तो ये टिल्टेड दिखेगा। आप अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो आप क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके फिर स्ट्रेट ले आओ ऑटोमेटिक, तो फिक्स स्ट्रेट आएगा आपका कलर। तो अभी जो हम कर रहे हैं ये है लीनियर ग्रेडियंट, एक लाइन में, ये सिंगल लाइन में कलर डाल रहा है। आगे समझ में? अपन जैसे लेफ्ट टू राइट अगर लाइन बना रहे हैं तो कलर का शेड तो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ये देखो मैं बताऊं, ये लेफ्ट टू राइट लाइन बनाई मैंने, ठीक है, और ये कलर आ गए। हमने फर्स्ट कलर क्या था, रेड, सेकंड कलर था पिंक, थर्ड कलर था जो ये ब्लू टाइप आ रहा है, फिर ये व्हाइट जैसा आ रहा है, फिर येलो आ रहा है, फिर रेड आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है हमारे, और पॉइंट्स के दोनों तरफ फिर वो कलर रहते हैं। मतलब हमने जो पाथ देखा, अब ये पाथ देखो, इससे देखो कि ये फर्स्ट कलर ये रहा, सेकंड कलर ये रहा, तो आपने जैसे ये ऐसा पाथ है लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट ही हमने बनाया, और ये कलर ऐसे दिख रहे हैं अपने। तो अगर आपको ये स्ट्रेट चाहिए, मतलब सामने ऊपर से नीचे चाहिए हमको, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये हॉरिजन लाइन के अकॉर्डिंग आ जाए, ठीक है। ये होता है लीनियर ग्रेडियंट। और अभी हमने इस वाले मतलब हमने पूरी लेयर पे किया है। आप लेयर के सेलेक्टेड पार्ट पे, एक और लेयर रहते हैं उसको हाइड करते हैं, और जैसे हमने ये वाला पार्ट लिया, अब कलर करेंगे, ये कहाँ गया, ग्रेडियंट लिया, ये लीनियर है, ये हमने कलर किया, तो अब ये उस सेलेक्टेड पार्ट में ही होगा। तो अभी ये सेलेक्टेड है, हमने इसको कंट्रोल डी किया, ये आ गया, अब आप मूव कर सकते हो। तो ये अभी पूरी लेयर के अंदर बस यही है, क्योंकि ब्लैंक लेयर थी, तो ये एक ऑब्जेक्ट टाइप या एक शेप बन गया, पिक्सलेट टाइप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कलर के लिए, इसको ऐड करते हैं, एक और न्यू लेयर लेते हैं अभी ब्लैंक। हाँ, ग्रेडियंट लिया, अब ये तो था फर्स्ट अपना लीनियर, अब आते हैं रेडियल पे। रेडियल मतलब अब ये सर्कुलेट करके करेगा, मतलब अभी जो हम कलर कर रहे थे वो तो एक लाइन से जा रहे थे, स्ट्रेट लाइन लाइन लाइन, और अभी जो हम इससे कलर करेंगे वो जाएंगे सर्कल के अंदर। मैं आपको देखो इसको एक बार लीनियर में, अभी देखो अपने पास क्या हो रहा था कि हमने पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया, नीचे लाके यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है, और फिर ये लीनियर में कलर जो जा रहे थे कि एक कलर यहाँ है, एक कलर यहाँ है, और एक कलर यहाँ है, तो ये कलर ऐसे ऐसे शो हो रहे थे अपने, हो रहे थे, ओके। तो अब जो हम देखो ग्रेडियंट में जो ये वाला था सर्कुलर, अब ये कैसे काम करेगा, सपोज हमने एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट किया और पॉइंट को यहाँ ड्रॉप किया, अब इसमें क्या होगा, सर्कल वाले में यहाँ पे फर्स्ट कलर था, ठीक है, यहाँ सेकंड कलर आ गया, यहाँ थर्ड कलर आ गया, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट कलर है वो यहाँ से सर्कल बनाएगा, और जो हमने डाला ये सेंटर होगा उसका, और यहाँ फर्स्ट कलर होगा, ठीक है। ये सेकंड कलर है तो ये सेकंड कलर ऐसे आएगा पूरे में, थर्ड है तो ये थर्ड ऐसे सर्कुलेट होके जाएगा, और लास्ट जो कलर है फिर वो ऐसे सर्कुलेट होके जाएगा, ठीक है। अब देखो हम यहाँ एक न्यू लेयर में डालते हैं कलर, हमने ग्रेडियंट लिया, सर्कुलर वाला लिया, देखो यहाँ क्लिक करके और यहाँ ड्रॉप किया, अब देखना यहाँ हमने क्लिक किया था और यहाँ ड्रॉप किया, तो अभी सर्कुलेट हो रहा है पूरा, वो फर्स्ट वाले के अराउंड सारे कलर्स बनेंगे। हाँ, जैसे मैंने ये बताया था, देखो तो हमने जैसे ये लाइन डाली ना, तो इस लाइन में क्या हुआ कि इस लाइन में ये वाला, आप तो ये मान लो कि ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, मतलब जो अपना कलर वाला जो ग्रेडियंट वाला ये जो पूरा बार हम देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा बार इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और ये पूरा बार ऐसे बस ऐसे पूरा रिपीट हो रहा है इस तरीके से, इधर जा रहा है ऐसे डायरेक्शन में, पूरा ऐसे रोटेट होके फिर वो ऐसे आ रहा है ना, ये हो रखा है ऐसे मान लो इसको, तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। अब देखो अभी ब्लैंक लेयर है हमारी ये वाली, सॉरी ब्लैंक नहीं, ये वाला ग्रेडियंट मतलब रेस्टराइज लेयर है, हमको अगर इसमें से कलर सब हटाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, तो पूरा लेयर के अंदर वाला पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट प्रेस करेंगे तो वो अंदर पूरा ये ब्लैंक हो गया, देखो लेयर, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, अभी जो हमने ये देखा, अब आता है कॉनिकल वाला कलर। कॉनिकल में देखो क्या होता है, अभी जैसे हमने वो किया था है ना, अब सपोज देखो ये एक पेपर है, सपोज है ना, इस पेपर पे यहाँ मल्टीपल कलर्स हो रखे हैं, इस पेपर को आप इधर रूल करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, तो ये कुछ ऐसा कोन बन जाएगा इस टाइप का, ऐसा है ना, ये टॉप नोच हो गया, ये इधर आ गया, और ये लास्ट पॉइंट यहाँ के अटैच हो जाएगा, ऐसे ज्वाइन करेंगे हम इसको। तो इसमें क्या होगा, जो हम ग्रेडियंट में जो कलर बार देख रहे हैं
इसको भी ऐसे ही मानो कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट की जाके इस तरह से अटैच हो गया, जो ये हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि अब आगे तो ये कलर लेते हैं, इसका लास्ट कलर भी चेंज कर देते हैं। लास्ट कलर हमने ये कर दिया, ठीक है। अब हमने ये कोनिकल सिलेक्टर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ ड्रॉप किया। अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ ड्रॉप किया, इसमें क्या हुआ कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ऑरेंज से, ऐसे घूम के इधर आके पूरा, और ये ब्लू यहाँ अटैच हो गया। मतलब तो इसको हम टॉप से देख रहे हैं, जो हमारा कोन बना है ना उसको हम टॉप से देख रहे हैं। ये सेंटर पॉइंट हो गया, और यहाँ से ऑरेंज था, फिर यहाँ येलो था, फिर यहाँ ब्लू था, बीच में मिक्स कलर है जो ग्रेडियंट में बन रहे हैं। देखो फर्स्ट कलर, सेकंड कलर, थर्ड कलर, हमने तीनों को रोटेट कर दिया, एक तरीके से कोन बना दिया। अब जो ये वाला है, ये है कौन सा, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि सपोज हमने ये बना लिया, इसके नीचे या इसके ऊपर ही रिफ्लेक्ट होके एक और पार्ट आया, हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया था और ये ऊपर और रिफ्लेक्ट हो गया। सेम, फिर से मैं अंडू करके एक बार देखो, मिडिल से इधर इधर बना रहा हूँ मैं, अब इतना ही एरिया ऊपर भी बन जाएगा। देखो ऑरेंज से ब्लू बनाया था हमने, और ये ऑरेंज से ब्लू ऊपर बन गया, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये है रिफ्लेक्टेड। तो कहीं कोई ऐसा बैकग्राउंड बनाना हो, ऐसा कुछ कलर डालने हो, वहां हम इसको यूज में ले। नेक्स्ट अपना, ये लीनियर जैसा नहीं हो गया? लीनियर जैसा ही हुआ, लेकिन लीनियर, लेकिन ये क्या हुआ, उसको रिफ्लेक्ट एक और कॉपी होके ऊपर भी चले गया। देखो हमने इतना सा बनाया ना, ये इतना बना के ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर कॉपी हो गया। लास्ट वाला है डायमंड, जैसा हम क्लाइडोस्कोप में देखते हैं कि वो शेप जो होती है, पैटर्न बन जाता है, मर्ज होती जाती है, सेम शेप कॉर्नर से, है ना, डायमंड शेप वैसा है। सपोज कि हमने यहाँ एक पाथ बनाया, अब ये वाला पाथ चारों तरफ रिपीट होगा। देखो हमने यहाँ बनाया था, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर भी हुआ, इधर, तो ये अपने ग्रेडियंट्स होते हैं। अब देखो ग्रेडियंट, अब जैसे आपने कुछ मैगजीन और ये भी निकाले हैं, तो उसमें आप ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको, कि सपोज मेरे को कुछ बैकग्राउंड टाइप का कुछ बनाना है, तो हमने लीनियर लिया और यहाँ कलर में सिंपल कलर लेते हैं, कि ऊपर तो लिया हमने थोड़ा इस टाइप का ग्रे, और सबसे नीचे लिया हमने, और मिडिल वाला ग्रेडियंट भी ले लेते हैं, उसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। या मिडिल वाले की लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, आपने जब इतना इतना बनाया तो ऑटोमेटिक मिडिल में इतना आ जाएगा। बाकी यह इनकी रेंज इधर और करनी है ब्लैक वाले की, तो आप या तो ये जो मिडिल पॉइंट है तो मूव करो, या कोई नया रोल बना। अब देखो ऐसा किया, ओके किया, लीनियर लिया, मेरे को एक बैकग्राउंड बनाना है, और ये यहाँ है, हो गया बैकग्राउंड टाइप। ऐसे आप किसी भी टाइप से बैकग्राउंड या कोई भी कलर में कुछ ऐसा ट्राई कर सकते हो। तो ये ग्रेडियंट कलर इस तरीके से यूज होते हैं। अब इसमें एक तो मैंने ये तो बता दिया आपको कि कैसे कैसे हम लोग ये यूज करेंगे। दूसरा, अब जैसे है ना, अपने इसके असाइनमेंट में दूंगा, उसके अंदर कुछ में सबसे पहले तो आपको ये कलर से ट्राई करने हैं, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कौन सा टाइप कैसे यूज हो रहा है, छोटे या बड़े वाले शेप में आप इनको कैसे डिजाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है, या सिलेक्शन करके या किसी भी तरीके से आप इनको डिजाइन करो। उसके बाद में है कि आप है ना कुछ सीडीज, जैसे मैं अभी आपको देखो यहाँ से बता कौन से टाइप का ग्रेडियंट है इसके अंदर, सर्कुलर, देखो आप बताओ क्या हो सकता है, लगाओ आइडिया। लीनियर भी नहीं है, सर्कुलर भी नहीं है, रेडियल भी नहीं है। सर देखो मैं बताता हूँ आपको, या तो हम डिजाइन करते हैं। अब देखो इसको डिजाइन करेंगे तो यहाँ हमको एक सर्कल में ये कलर डालना है, तो अब अपने को देखना है यहाँ सर्कल में ऐसा कलर कैसे डालें, दूसरा सर्कल बना के, है ना, क्योंकि हम जब इसको ड्रॉप कर रहे हैं कलर को तो शेप के अंदर कर रहे हैं, तो हम शेप बनाएंगे तो उसमें तो कलर जाएगा नहीं, क्योंकि शेप ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, ठीक है। हम तो रेस्टेज लेयर में ये वाला काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो न्यू लेयर लेके रेस्टेज वाली यहाँ से सर्कुलर ये ले लो सिलेक्शन एलिप्टिकल सिलेक्शन, और ये इतना पार्ट सिलेक्ट कर लो, फिर आप ड्रॉप कर दोगे। लेकिन इसमें आपको एक्चुअल पता नहीं है सेंटर कहाँ होगा, है ना, उसके लिए या तो आपको रूलर लगाना होगा, बट रूलर कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट पे आपको ये जो ट्रांसफर कंट्रोल दिखेंगे तभी तो दिखेगा। क्या दिखेगा, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आते हैं ना, नोट्स आते हैं इनके कि इतना बड़ा शेप है, अभी तो ये शेप नहीं है, सिलेक्शन है, अभी तो ओनली सिंगल सिलेक्शन हो रखा है, और अंदर कुछ इसके पार्ट भी नहीं है, तो हम सेलेक्ट भी क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए मैं देखो एक प्रोसेस बता कि हम यहाँ से ये मैंने इलिप्स बनाया, ये क्लिक करा, ये बनाया, ये एक इलिप्स बन गया, ये हो गया, ये इलिप्स बना लिया, ठीक है।
अब देखो अगर कोई लेयर इस तरीके से कि वो ऑब्जेक्ट बनी हुई है या ऑब्जेक्ट भी नहीं है या रेस्टराइज है कैसी भी है, किसी भी लेयर का आपको अगर एरिया सेलेक्ट करना है कि सपोज आपको ऐसा करना है कि इस लेयर के अंदर ये इतना सा रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है, मेरे को इस लेयर में उतने ही शेप के अंदर ये रखना है, बाहर का डिलीट करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना है कि अगर मैं जो बता रहा हूँ कि किसी भी लेयर का जो सिलेक्शन करोगे आप उस लेयर में जो ऑब्जेक्ट है उसका सिलेक्शन हो जाए ऑटोमेटिक, हम सेलेक्ट ना करें डायरेक्ट ही हो जाए, उसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट के इस वाले एरिया पे क्लिक करो, वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस एलिप्स को मैंने यहाँ से न्यू लेयर ली और अभी सिलेक्शन स्टार्ट है, और इस न्यू लेयर के अंदर अब मैं वहां कलर डालूं चाहे यहाँ से कलर डालूं चाहे ग्रेडियंट डालूं चाहे ब्रश यूज करूं कुछ भी करो वो सिलेक्शन नहीं। मैं ये बता रहा हूँ एक तो कि लेयर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है अगर उसका पार्ट आपको सिलेक्शन करना है, अभी तो हमने देखा कि हम सिलेक्शन इनवाले टूल से करते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि अगर उस लेयर में जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उतना ही सिलेक्शन अपने को मिल जाए तो हम कैसे करेंगे? सपोज देखो ये वाली लेयर है, विजिबल तो नहीं है लेकिन ये लेयर है, हम कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक करते हैं तो जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उतना उतना सिलेक्शन ये अपने को दिखाएगा। अब फिर चाहे किसी भी लेयर पे स्विच करके आप उस लेयर सिलेक्शन को यूज ले, और सिलेक्शन में मैंने आपको इन्वर्ट सिलेक्शन बताया था क्या? इन्वर्ट नहीं बताया था मैंने इन्वर्ट में देखो क्या होता है, जैसे देखो मैंने ये लिस्ट वाली लेयर थी ना, इसको हम डुप्लीकेट लेयर बनाते हैं, ये ओके करा, इसको फर्स्ट वाली को हाइड कर देते हैं और इस वाले लेयर को हम रेस्टराइज कर देते हैं जैसे कि एडिटिंग कर। अब देखो मैं जो बता रहा हूँ कि हमने ये जो इलिप्स है मेरे को ये दिखाना है इतने एरिए में जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, हमने कंट्रोल से यहाँ ये प्रेस किया तो हमको एरिया दिख रहा है अभी। अब मेरे को ये करना है कि इस एरिए के अंदर जो सर्कल है उतना ही रहे, बाहर जो आ रहा है ये डिलीट हो जाए, लेकिन अभी हम अगर डिलीट करते हैं ये लेयर यहाँ सेलेक्ट करके तो अभी क्या हो रहा है कि अब उतने एरिए में जो ये सर्कल बना था वो सेलेक्टेड है, अभी हम जो भी वर्क करेंगे तो इसी एरिया में होगा, डिलीट करेंगे तो अंदर का ही होगा, यही चीज होगी। लेकिन मेरे को अब ये करना है कि जो हमने सिलेक्शन किया है उसका अपोजिट वाला पार्ट हो, है ना, इन्वर्ट वाला, तो इसके लिए इन्वर्ट सिलेक्शन करना पड़ता है। कैसे? इसका एक शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट आई, ये इसका शॉर्टकट होता है, या तो आप ये शॉर्टकट प्रेस करोगे नहीं तो आप यहाँ सेलेक्ट में जाके ये दिख रहा है इन्वर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई ये प्रेस कर लोगे, जैसे हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट आए तो अब सिलेक्शन देखना। अब देखो जो सिलेक्शन है ये वाला पार्ट सिलेक्टेड हुआ, इधर वाला, ये वाला, अंदर वाला नहीं है, बस ये वाला हो गया, इधर वाला इतना इतना आया समझ में। देखो एक बार फिर से बता दूं मैं कि हमने ये वाला सिलेक्शन लिया है सपोज, अब लेकिन आउटर पे काम करना है अंदर नहीं करना, तो आपको इसको इनवर्ट सिलेक्शन करना होता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट आए। अब अगर हम ब्रश लेके कुछ ड्रॉ भी करेंगे तो वो बस आउटर आउटर वाले पार्ट में ही ड्रॉ होगा, अंदर नहीं होगा, आउटर में ही हो रहा है क्योंकि अब सिलेक्शन ये वाला हो चुका है। अब मैं यही इसी टाइम पे फिर से कर दूं कंट्रोल शिफ्ट और आए, तब उसका अपोजिट हो गया, पहले बाहर का था अब वो अंदर का हो गया, अब देखो बाहर कुछ नहीं हो रहा, अब ओनली अंदर होगा, देखो बाहर नहीं होगा, जो भी रहा सब अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं जाएगा वो, क्यों? अब सिलेक्शन ये वाला होने लग गया। तो ये होता है, इस तरीके से सिलेक्शन होता है, आया ही समझ में कि एक तो कंट्रोल से भी हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा सिलेक्शन को इन्वर्ट भी कर सकते हैं हम लोग जो भी हमारा सिलेक्शन, और इस लेयर को हम एक बार डिलीट कर लेते हैं। अब देखो हम उस सीडी पे थे तो हमको क्या करना है, अभी ये जो सर्कल है इस सर्कल का एरिया लेना है हमको, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे बताओ? कंट्रोल प्रेस करके यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस जगह लेयर पे, लेयर के इस वाले बॉक्स पे, बॉक्स कहाँ हैंड आ रहा है ना, इस जगह पे है ना, इससे पहले हम यहाँ पे रूलर फिट कर लेते हैं, इससे एग्जैक्ट सेंटर और कब, क्योंकि अगर मूव भी हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मिल गया अपने को, ठीक है, हमने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ क्लिक किया तो ये सिलेक्शन अपने पास है, और एक न्यू लेयर ले लिया क्योंकि इस लेयर में तो काम करेंगे नहीं, एडिटेबल भी नहीं है अभी क्योंकि ऑब्जेक्ट है, रेस्टराइज नहीं है, इसको हाइड कर दिया। अब यहाँ हम काम करेंगे, अब देखो यहाँ हम कैसे करेंगे, हमको ग्रेडियंट न्यू लेयर पे आपने कॉपी पेस्ट करा,
नहीं कुछ ही कॉपी पेस्ट क्यों होगा, सिलेक्शन तो एज इट इज बना हुआ ही था, मैंने तो न्यू ले ली तो भी ऐसे एज इट इज ये हो। सबसे पहले हम कलर बनाते हैं देखो इस टाइप का, ठीक है। अब देखो ये जो कलर है ना ये है कोनिकल कलर, कोनिकल वाला जो था ना ग्रेडियंट, वैसा ग्रेडियंट डला हुआ ये। तो इसमें हमको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये देखो सब मर्ज है, हमको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही रखना होगा। अगर एक नहीं रखेंगे तो कलर एक बिल्कुल लाइन में दिखेंगे, जैसे हमको ऑरेंज और ब्लू में दिख रहे थे जब हमने कॉनिकल कलर ट्राई किया था, कॉनिकल ग्रेडियंट। यहाँ के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है कि ये एक पॉइंट लिया, ठीक है, और हम मानते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहां से एक कलर ड्रॉप किया, ओके फर्स्ट कलर आ गया, लास्ट कलर भी सेम होगा हमारा, ये आ गया लास्ट कलर, ठीक है। अब इसके बाद देखना है कि ये फर्स्ट पोजीशन है और ऐसे पूरा घूम के ये लास्ट पोजीशन आ गई, तो इसका 50% मतलब एक हाफ पॉइंट कहाँ बनेगा, ये वाला कलर, ये बनेगा अपोजिट में 50। यहाँ एक नोड बनाते हैं 50 पे, इस नोड को सेलेक्ट किया, इस पे कलर कौन सा होना चाहिए अभी, ये वाला। अभी मैं कलर पिक कर रहा हूँ, आप खुद कलर स्लाइड करके आप कलर चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों के मिडिल वाला पार्ट लेंगे कि इन दोनों के मिडिल में ये वाला कलर। तो अब यहाँ पे जो इसका 50 आया इस पे हम ये कलर लेते हैं, देखो ये आ गया, तो ऑटोमेटिक ये होगा ऐसे बनता जाएगा ना पैटर्न, अगर हम प्रॉपर साइज के अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इनका जो मिडिल है ये वाला, ये आ गया, एक बार ये आ गया जो 70 पूरी लेयर के 75 पे है, देखो प्रॉपर है ना, इस पे होगा ये वाला कलर जो इसके सामने, इतना हमने बना लिया। अब हमने देखो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये चारों पॉइंट हमने डिसाइड कर लिए, ठीक है। अब क्या बचता है, इन दोनों के सेंटर, इन दोनों का सेंटर, इन दोनों का सेंटर, इधर सेंटर, मतलब ये जो हमने बनाया अभी फर्स्ट जो यहाँ है, सेकेंड जो यहाँ मानते हैं हम लोग, तो उसके सेंटर में जो 25 पे होगा, नहीं ये 25 पे नहीं है, देखो अलग से बन गया, ये जो है ये होगा 13 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास होगा वो। और हमने कलर डाल दिया ये वाला भी, और चाहे कलर सब जगह सेम डालना है तो हमने ये कॉपी कर ली यहाँ से कलर को, कंट्रोल सी से ओके किया। अब इन दोनों के बीच का जो पार्ट है यहाँ भी हमने ये कलर कोड डाल दिया, फिर यहाँ यहाँ बना लिया हमने, और यहाँ भी कलर कोड पेस्ट किया, और इसके सेंटर में भी बनाया ये, और यहाँ भी कलर कोड पेस्ट किया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ये लेयर बन चुकी है अभी इतनी, देखो अभी देखो सब अपनी पोजीशन पे फिक्स है, कलर सब एक्यूरेट आ रहे हैं, अभी हमने इसको ओके किया सेम अभी इसी पोजीशन पे। हम अब यहाँ आते हैं, अब देखो यहाँ पे हमको देखना है कि जो सेंटर में वो सेंटर में आएगा और लास्ट यहाँ तक आएगा, तो हम ग्रेडियंट टूल पे गए, ग्रेडियंट हमने बना लिया है, हम ये कोनिकल पे आ गए, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से हमको इसकी जो रेडियस है यहाँ तक, डायमीटर से यहाँ तक आना है, यहाँ क्लिक किया मैंने छोड़ा, तो ये ऐसा शेप बना। ऐसा शेप बनने के बाद में अब क्या करना है हमको, बीच में एक होल करना है, लेकिन कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर के साथ, पहले हम इसको कंट्रोल डी कर देते हैं जिससे डी सिलेक्ट हो जाए। अब हमारे पास देखो मूव टूल पे जाए तो ये ऑब्जेक्ट है सर्कल लेफ्ट का, ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ, इस सर्कल को हम मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ये डुप्लीकेट लेयर, ये कॉपी हो गया। अब इसको हम छोटा करेंगे, देखो छोटा करेंगे तो शिफ्ट के प्रोपोर्शनेट जाएगा, क्योंकि मेरे पास पुराना वर्जन है सीसी का 14 वाला, तो उसमें शिफ्ट से प्रोपोर्शनेट जाता है, आपके उसमें विदाउट शिफ्ट जाता है, ठीक है। और अगर मैं ऑल्ट प्रेस कर दूं अभी तो ये अब सेंटर से जाएगा, देखो तो मेरे को इतना होल करने वाले, तो मैंने पहले क्लिक छोड़ा फिर शिफ्ट और ऑल्ट छोड़ा और उसी तरह अब इसका सिलेक्शन लिया, देखो ये ले लिया और इसको हाइड कर दिया और वापस इस वाले लेयर पे आ गए जो हमने बनाई थी, ठीक है, आया समझ में। और तो बड़ी वाली लेयर बनाई थी, हाँ हाँ हाँ, उसी पे से हमने अब डिलीट कर दिया इतना हाइट, देखो, और कंट्रोल डी कर दिया, तो अब ये होल हो गया ना उसमें, तो ऐसा कुछ बन गया, ऐसे ऐसे इस वाले स्टेज पे आ गए। तो अब यहाँ और सर्कल बनाते जाओ इसी शेप के, इसी के आसपास, या कॉपी करके बनाते जाओ, तो ऐसा करके पूरा बन जाए। अब देखो मैं इसका आपको एक और चीज बताता हूँ, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सिलेक्ट हो गया, ये पहले भी एक बार एक ट्राई किया था मैंने भी, तो उसमें एक कलर बना रखा है मैंने ग्रेडियंट में,
उसको हम डाल के देखते हैं। जैसे ये दो कलर बने हुए, किसी एक पे क्लिक करता हूँ, ये क्लिक किया, ये कलर बने हुए, इसमें ऑलमोस्ट 32 के आसपास पॉइंट बने हुए। तो पहले मैंने ये ग्रे वाला बनाया था, फिर ग्रे से अकॉर्डिंग कि जहाँ डार्क है जहाँ लाइट है, तो रेड लाइट है रेड डार्क करके ये रेड बनाता गया, तो उससे ये भी बन गया। अब ये सब कुछ प्रॉपर पोजिशन पे सेट है, बना के आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना होता है, यहाँ अटैच हो जाता है अंदर, यहाँ सेट फ्री सेट नहीं रहता आपके पास, ठीक है। तो अभी ये कलर है, हम इसको ओके करते हैं और इसको यहाँ पुट करते हैं कॉनिकल के साथ में सेंटर से यहाँ तक। अभी देखो सेंटर हमने हटा रखा है उसका, तो उतने एरिया में तो नहीं दिखेगा होगा, कि जो जितने में चाहिए उतने में दिखेगा। ये देखो अभी ये ग्रेडियंट कलर है, तो थोड़ा ऊपर नीचे भी लग रहा है, सीडी जैसा भी लग रहा है। और अगर आप सीडी जैसा लुक दे दोगे कि थोड़ा सा आउटर में हल्का सा एक ट्रांसपेरेंट सा लुक दिखे, कि मतलब पीछे एक और सर्कल दिख जाए जो सिंगल कलर है, फिर अंदर थोड़े और छोटे मोटे एक दो सर्कल और दिखे, तो ये अपने को बिल्कुल एक्चुअल सीडी जैसा लगने लगे। आया समझ में? देखो इसको कंप्लीट करते हैं। चलो कि हमने इतना बना लिया, हमने कंट्रोल डी किया इसको, चलो इतना बन गया। अब थोड़ा सा आउटर में, क्योंकि सीडीज में जो स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के ऊपर भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है जो ग्लास होता है, ठीक है। तो उसको अब मैं जल्दी जल्दी कैसे करूँ, मैंने उसके लिए क्या किया, जो अपनी यही वाली लेयर बनी है इसी लेयर को मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। और ये इसको नीचे रखा इसको, ठीक है, और इसका सिलेक्शन लिया और इसमें एक सिंगल कलर व्हाइट वाला कलर जो कि ये ऊपर ये लिया, ऑल बैक पे से व्हाइट कलर डाल दिया, देखा कलर आया नहीं है, इसको हाइड करके देखते हैं ये आ गया। अब इसको मूव टूल लिया, थोड़ा सा पीछे करा, इससे थोड़ा और कर देते हैं, हाँ पिक टूल से जो मूव टूल है हमारा, यहाँ से मैंने कॉन्सेंट्रिक शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में इसको थोड़ा सा बड़ा किया, तो ये चारों तरफ इतना दिखने लगा और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो इस लेयर को हमने, ये लेयर सेलेक्ट है, ऊपर ओपेसिटी आ रहा है, ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंस, तो यहाँ से मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी डाउन करी दी, तो वहां देखो जितना आपको अपने को दिखाना है उतनी ट्रांसपेरेंसी आप रखो। अभी इतना ठीक लग रहा है, अगर हम यहाँ देखते हैं तो इतनी ट्रांसपेरेंसी ठीक लग रही है। अब हम यहाँ के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ के ऑब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं जैसा इसमें बना हुआ है, कि पहले एक लाइन बनी हुई है, फिर ब्लैक बना हुआ है, फिर एक लाइन है, फिर ब्लैक है, ठीक है। ऐसा अगर हम यहाँ ट्राई करें तो इसको भी हम कुछ और सर्कल लेके कैसा भी यूज कर सकते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है। जैसे हमने यहाँ क्या लिया था, ये सर्कल लिया था, देखो तो हम इसका एरिया सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले, और हाँ ये सेलेक्ट करते हैं, इसको हाइड करते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं और इस लेयर में एक ब्लैक कलर पुट करते हैं, ये ब्लैक कलर पुट हो गया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि अभी वो हाँ इतना। अब इतना लेने के बाद में हमने इसमें क्या किया, ये जो ब्लैक था इसी को ही हम कॉपी कर देते, ये डुप्लीकेटों की कॉपी हो गया, और इसको इतना छोटा करते हैं और इतना सेलेक्शन लेते हैं और इसको ऐड करके जो नीचे जो बड़ा वाला सर्किल है इसमें से इतना पार्ट उठा देते हैं। अब ये बैकग्राउंड दिख रहा है अभी। तो ऐसे हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ मेजर देखो बस ये की, क्योंकि अब अपने को देखना है कि हमको एफिशिएंटली और स्मार्टली इजी वर्क कैसे करना है, जल्दी हो जाए। तो नहीं तो देखो वो वहीं अपन ये करते कि सर्कल बनाने बैठते, एक एक सर्कल बनाते, कलर करते, फिर है ना उनको रेस्टराइज करते, फिर उसमें कलर डालते, फिर कॉपी करते, काफी लंबा प्रोसेस होता है। वहीं अपन एक दो सर्कल से सारा काम करे जा रहे हैं और वो ईजी भी है, तो ऐसा हम देख सकते हैं। और बाकी ग्रेडियंट की प्रैक्टिस अब आपको करनी है, ठीक है, कलर कैसे बनाते हैं वो मैंने बता दिया है, आप और ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा इनका एक एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है,